एक तारीख को मेरे भी लड़की ने वहाँ फोन से बात किया, मम्मी रो रो के बात किया, रो रो के बात किया, बाबा मेरी सास ऐसे बोली, मेरी सास ऐसे बोली। मैंने कहा बेटा उनको बता दे कि सहन करो, हम देंगे भाई, देश की मारे इतने मारपीट हो रहा, देंगे। तो उन्होंने उसी रात को मेरी लड़की मार दिया, रात को 9 बजे तक मेरे साथ बात की लड़की ने। तो मेरी लड़की यहाँ आई थी 25 तारीख को रात को, तो 26 तारीख को मैंने यहाँ से ऐसे बोला कि तेरे मामा लोन लेगा बैंक से, और हम जून की मैंने कमा लेंगे हेमकुट साहिब में, तो हम दे देंगे। अपने सास को ये बताना वहाँ जाके, बोला हाँ मम्मी मैं बताऊंगी वहाँ जाके। तो मेरी लड़की वहाँ गई 26 को रात, वहाँ पहुंची 27 को उसको पति घर गया, यहाँ सुनील से 27 को घर गया, 28 को उसको पति यहाँ आया। 1 तारीख को मेरी लड़की ने वहाँ फोन से बात किया, मम्मी रो रो के बात किया, तो रो रो के बात किया, बाबा मेरी सास ऐसे बोली, मेरी सास ऐसे बोली। मैंने कहा बेटा उनको बता दे कि सहन करो, हम देंगे भाई, देश की मारे इतने मारपीट हो रहा, देंगे। तो उन्होंने उसी रात को मेरी लड़की मार दिया, रात को 9 बजे तक मेरे साथ बात की लड़की ने। मैंने उसने लड़की के पास बोला कि लड़की तो अपने पति के पास बता दी, तो उसने पति के पास बताया, तो उस पति ने क्या बोला उतना, तो उसकी मौत उसी रात हुई। 9 बजे तक मेरे मोबाइल फोन में बात आप एक और सुना, 9 बजे तक बात करती, अरे सुबह बोले कि मर गई मेरी लड़की, अरे मर गई थी, मुझे फोन क्यों नहीं किया। जब माँ बाप है ना, हमको जाने की हक नहीं, मेरी लड़की किस तरह मर गई, उन्होंने खुद अंदर ही मारा मेरी लड़की को, और सुबह 6 बजे को बाहर में लड़का गया। इस तरह से मौत होती, जब 5 जमीन में है, जब 5 जमीन से ऊपर होती तब लड़की मौत होती। तो एक उससे बांधने के रुमाल से लड़की फिर फांसी होती। किस चीज से बांधा था? सर भर के रुमाल, ये इस रुमाल पर लड़की को फांसी। 80 किलो मेरी लड़की ओजन है, 80 किलो मेरी लड़की का ओजन है। एक पंखा भी लटका के, पंखा भी लटका, ठीक है पंखा लटका, तो लड़की पाँव ऊपर क्यों नहीं थी, पाँव तो जमीन में घिस रखी। इस तरह से मौत होती, इस तरह से लटका के 6 बजे को लटका गया मेरे लड़की, रात को मेरे लड़की बात किया। अच्छा, उसके बाद कोई धमकियां मिल रही है आप कह रहे थे? धमकी तो पहले हम उसकी बात, फिर मैं उसी घर में गई, उस सास को बोला मैंने, भाई मेरी लड़की किस मरी, मेरे को बोली हाँ हमने मार दिया, भगवान तू ही देखना हमने मारा होगा। तो मैंने कहा इतना देश दे दिया हमने, इतना सोना चांदी दे दिया, इसके अंदर तुम्हें मेरी लड़की को मार दे, करे अपना सामान ले जा, तेरी लड़की साथ हमें से लड़ाई हो रही थी, तुमने यहाँ क्यों लाया, वहीं रखते, जब शादी करे लड़की का वो लड़की का मेरे रहना अच्छा लगता है। कौन मेरी लड़की का नाम ममता है, ममता की शादी हुई थी 25 अक्टूबर को, और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया 27 नवंबर से। पहली बार आपकी बेटी को उसकी सास ने मारा था ना, तो बच जाती तुम्हारी पति ले, तो क्यों नहीं बताया पहले? मैंने उसने माफी मांगा, हाथ जो आप लोगों ने उसने वापस ले लिया, सब कोई बात नहीं। आप बताओ गलत है कि नहीं है? लड़की के बोल दो, हम भी दे रहे हैं, ये तो हम भी बोल रहे हैं ना, हम भी बोल रहे हैं। आप दे रहे हैं आज जो फोड़फाड़ वो मृत्यु का जो काम हो गया ना, वो हो गया, अब ये काम अब होनी चाहिए। ये उर्गम सलना से हमें सूचना प्राप्त हुई थी 3 की प्रातः काल 7 बजे कि एक महिला द्वारा वहां पर आत्महत्या कर ली गई है। तो उसी दिन हमने पटवारी और अपनी राजस्व की टीम को वहां भेजा था, और साथ ही 5 लोगों के खिलाफ हमने FIR दर्ज करी है इसमें, क्योंकि महिला का मामला है। अभी तक प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज हमें प्राप्त हो जाएगी, और साथ ही हमने इसको चूंकि ये नवविवाहिता की मृत्यु का मामला है, अतः पुलिस हस्तांतरण के लिए हमने इसको केस को आगे बढ़ा दिया। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर किसी प्रकार की महिला की हत्या है तो वह उसमें स्पष्ट हो जाएगा, साथ ही हमारी पुलिस जांच में अगर दहेज संबंधी उत्पीड़न है तो महिला के परिजनों के बयान लिए जाएंगे, और अन्य कोई साक्ष्य उनके पास है तो वो लिए जाएंगे, जिससे ये जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि ये दहेज हत्या का मामला है अथवा